चलिए एंजॉय भाग जाएगी, पसीने की करो पूजा तो गरीबी भाग जाएगी, जरा मुस्कुरा दो तो बदनसीबी भाग जाएगी, जो चेहरे पर हंसी होगी तो पड़ोसन भी गाल चूमेगी, और जिन चेहरों पर हंसी नहीं होगी तो गर्लफ्रेंड भी भाग जाएगी। एक दिन मेरी बीवी ने कहा, अच्छे हैं मेरे दो तीन बाल पक गए, सर के भी दाढ़ी के भी, बोले ये जी तुम्हारे बाल पक गए। मैंने कहा सुन, जब दिल जवा हो तो बेबसी कैसी, जब दिल जवा हो तो बेबसी कैसी, और इन सफेद बालों की ऐसी की तैसी, जोरदार तालियां। अच्छा गौर से सुनिए, अच्छा गौर से सुनिए, जब मैं पैदा हुआ, गौर से सुनो, मैं बहुत काला था, अभी तो दिख रहा हूं, अभी तो केवल चश्मा काला दिखता होगा आपको, पहले तो मैं पूरा काला था। अच्छा जब मैं पैदा हुआ वो बहुत सुख घड़ी थी, क्योंकि घड़ी बन पड़ी थी। मेरे पिताजी ने माताजी से पूछा क्या हुआ है, माताजी ने कही लल्ला हुआ। बाद में पिताजी ने देखा है, और इसकी माँ की आगे तो कल्ला हुआ है। मैं इतना काला, कोयले में फेंक दो ढूंढना मुश्किल, कोयला कौन सा और मैं कौन सा हूं। जब मैं हंसू ही तब जाके समझ में आया कि हाँ यार ये लड़का है। और गौर से सुनो, मेरी बीवी ने कैसे डाउनलोड किया मेरे को, भाई गौर से सुनो, मैं दुनिया का एक ऐसा पति हूं जो 16 सोमवार के हिसाब से उसको मिला हूं। वो जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले वो 16 सोमवार का व्रत रखती थी, भगवान के पास जाती थी, भगवान मैं 16 सोमवार के व्रत रखूंगी, पति अच्छा देना, सवा एक रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी अगर पति अच्छा मिलेगा। इत्तेफाक से मेरी शादी सेट हो गई, मैं पूरा काला पूरा काला। जैसे ही मैं बारात लेकर पहुंचा, उधर से वो आई और उसने देखी, भगवान ऐसा, भगवान प्रस्तुत हुए, बेटा सवा एक रुपए में ऐसा, आप नहीं तो कैसा। उसके बाद सुनो, मुझे मंडप पे ले जाया गया, स्टेज में बुलाया गया, जयमाला का प्रोग्राम, ठीक है मैं गया वहां पर, ठीक है जयमाला का कार्यक्रम चालू हो रहा, पत्नी जी आई शानदार बिल्कुल जयमाला लेकर आई, और एक लीटर सरसों का तेल चढ़ा के चली गई। अरे मैंने कहा ये क्या नाटक है, ये क्या खालिस्तान है, ऐसा कौन करता है भाई, माला डालो। ओ मैं भूल गई थी, आज शनिवार था, मैंने सोचा शनि देव को तेल चढ़ा दू, इसलिए मैंने क्या चढ़ा दी तेल। अब विदाई का समय देखो, मेरे ससुराल में एक भैंस, उसने एक पछड़े को जन्म दी, वो भी काला, दूसरा मैं एक बोदा, वो भी काला। अब सास सास बिल्कुल बोल रही, अरे जाओ ना लेके जाओ ना, दुल्हन को लेके जाओ ना, कब जाओगे, अरे हो तो गई विदाई, जाओ ना, अमन रोग आ लिए, सब कुछ गया, लिए, सब मेकअप खराब हो गया, लेके जाओ। पर वो भैंस नहीं जाने दे रही मेरे को, वो भैंस ना को चाट रही, मालूम क्यों चाट रही थी, बोले मेरा बोदा आ गया, तो ऐसे करके मेरे को चाट रही। अब गौर से सुनो, शादी हुई जैसे तैसे, हम दूल्हा चुराई, मतलब जूता चुराई, दूल्हा नहीं, लोगों ने मेरे को चुरा लिया, बोले जीजे जी काला जूता पहने होते, काला, अरे भैया मैंने कहा मैं जूता नहीं यार, मैं बोले जूते कहाँ तुम्हारे, तो बोले वो है, तो मैंने कहा इत्तेफाक से वो भी काले, तो जूते के बदले मैं तो चुरा लिया। अब घर में आए, बीवी बोलती है हनीमून मनाने चलना है, तो मैंने कहा कहाँ चलना है, तो बोले गोवा चलना है। अरे मैंने कहा पगली, गोए गोरे लोग जाते हैं, अपन काले लोग हैं, मैं तो दिखता ही नहीं, और जब मैं रात में निकलता हूँ तो दिखती नहीं, कई लोग मेरी फोटो खींचते हैं, गौर से सुनो, सबकी अच्छी आती सेल्फी, सेल्फी सबकी अच्छी आती, मेरे को छोड़ के सबकी सेल्फी अच्छी आती, और रंगीन मोबाइल में खींचते हैं तो मेरी फोटो सुनो कैसी आती, ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि अपन काले। अब हमारी मून में चले गए गोवा, चार पुलिस वाले आए, मैडम को पकड़ लिए, बोले कमाल करती हो और खुले आम ये काला धन लेके घूमती हो। मैंने फाइन देके छुड़ाया भैया, फिर मैडम से कहा मैडम ऐसी भाइया हरकत मत करो। अब स्विमिंग पूल देख के मेरी नहाने की इच्छा हुई, मैंने कहा मैं नहाऊंगा, और साला इत्तेफाक से चड्डी भी काली पहना, एक तो मैं पूरा काला ऊपर से चड्डी काली। मैं जैसे ही स्विमिंग पूल में कूदा, जितने लोग नहा रहे थे वो बाहर आ गए, वाह अरे बाप रे अचानक से रात कैसे हो गई, ये रात कैसे हो गई अचानक से, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं बाहर आ गया, इत्तेफाक से चड्डी काली, मैं रेत में लेट गया। थोड़ी देर बाद देखा 1200 कौए आसपास, मैंने एक कौए से पूछा, वो समझदार दिख रहा था, भाई क्या हो गया, बोले हमारा कुल देवता मर गया है। अब मैं लेटा हूं और कौए बोल रहा हमारा कुल देवता मर गया है। तो ऐसे ऐसे हादसे होते रहते हैं भाई साहब हम लोगों के साथ। इधर के लिए नेक्स्ट परफॉर्मर, कम टू द स्टेज रोज बानो,
सिंगिंग 52 गज का फंडा मेरे गोबर से तुम देखो साफ दिल से प्यार कर दूंगी जो कह दे मेरी शर्ते जो मारे उसकी शर्ते मारूंगी बावन गज का दामन पैर मटक चलूंगी बावन गज का दामन पैर मटक चलूंगी महंगे महंगे लाके तो चाहे तू बुला ले मो ये सब देखा है पहले भी पहले खा चुकी हूँ धोके अरे गेरो की बात पे ना कोर डालूंगी बावन गज का दामन पैर मटक चलूंगी बावन गज का दामन पैर मटक चलूंगी। चलिए जोरदार तालियां। जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा आधे घंटे बाद उधर नागिन डांस चल रहा था आधे घंटे बाद वो आई दरवाजा खोली
मैंने कहा बहन जी क्या वो शख्स आप ही है जो नागिन डांस के डांस पर डांस करती है? बोले हाँ भाई साहब कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कभी डस भी नहीं करो कि ऐसे नाचोगे ये कभी डसोगे नहीं। प्लीज परफॉर्मर जो भी है कृपया जल्दी आए, मेरे पास और कुछ बचा नहीं है। चलिए हाँ चलिए ईसा आइए हमारे बीच में, जब तक मैं आपको कुछ ले चलता हूं। किसी ने मुझसे पूछा कि धारा 370 370 बोले क्यों हटी? तो भाई साहब मेरा जवाब सुनो, बोलो धारा 370 क्यों हटी? मैंने कहा सुन, वो लगी थी इसलिए हटी। अरे जो चीज लगती है वो क्या होती है? हटती है। चलिए तैयार है आप लोग? रास्ता देखूं सजना, मैं पगली नहीं जो साल बिताऊं पिया हो तेरे बिना। इतना मेकअप लगा के कब तक रास्ता देखूं सजना, मैं पगली नहीं जो साल बिताऊं पिया हो तेरे बिना। तेरे संग कदम भर के मैं तारों तक साथ चलूंगी, कुछ तारे चल लेना इस बार मेरी तू मांग सजाना। सबके बारा सबकी बारातें आई, सबकी बारातें आई, डोली में बिलाऊंगा, दुल्हन बना के तुझको संग अपने ले जाऊंगा। सबकी बारातें आई, जोरदार तालियां। उसके बाद चौथी गया, सीधे बारहवीं में गया। क्लास में बैठा था मैं और गाने गा रहा था, वही पुराने वाला गाना, ऐसे बकरी चराते ही तू आ गई, तेरे बकरी मेरे सब चने खा गई। उतना मैं संगीत का टीचर क्लास में आया। अरे दलीप ये गाना गा रहा है बे, कैसा है बे, यही सिक्का तू बे, कौन बेवकूफ है, खड़ा हो तो क्लास में नहीं खड़ा हो। टीचर बोलता क्यों रे तू बेवकूफ है? मैंने कहा सर आप अकेले खड़े थे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं खड़ा हूं। वो चले गए, मैंने गाना चालू किया, ऐसे बकरी चराते तू आ गई, तेरी बकरी मेरे सब चने खा गई। इतना महीने महीने टीचर आया
अध्यापक क्यों रे दलिद्दर आदमी, ये क्या पागलपन है। चल एक काम कर, आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बता। मैंने कहा सर सुनिए, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाए वो आमंत्रण होता है और जो नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाए वो निमंत्रण होता है। मैंने गाना फिर चालू किया, ऐसे बकरी चराते ही तू आ गई, तेरी बकरी मेरे सब चने खा गई। हिंदी टीचर दोनों पुनः दोबारा, क्यों रे बेवकूफ, चलिए बता रामनवमी क्यों मनाई जाती है। मैंने कहा सर सुनिए, राम भगवान आठवीं से पास होकर नवमी में गए थे इसीलिए रामनवमी मनाई जाती है। बोले बेवकूफ है, वो भी चला गया। मैंने गाना चालू किया, ऐसे बकरी चराते तू आ गई। हिंदी के टीचर दोबारा फेरा, हिंदी के टीचर कहते हैं सुन रहे, राहुल गांधी की शादी नहीं हो रही है, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा सर सुनिए, इसमें असंभव अलंकार है, उसकी होगी भी नहीं। पटाखा फोड़ गया। मैंने गाना चालू किया, ऐसे बकरी चराते ही तू आ गई, तेरे बकरी मेरे सब चने खा गई। इतने में संस्कृत के टीचर आए, क्यों रे दिन भर गाना गाता है, चलिए बता तमसो मां ज्योतिर्गमय का हिंदी अनुवाद बता। मैंने कहा सर फालतू बात मत करना, तमसो मां ज्योतिर्गमय का मतलब होता है मां तू सो जा, मैं ज्योति के पास चला। जो बात ताली बताया आप लोग। मैंने गाना चालू किया, ऐसे बकरी चराते ही तू आ गई, तेरी बकरी मेरे साथ। इंग्लिश के टीचर आ गए, इंग्लिश के टीचर ने कहा क्यों रे एक खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मैंने कहा सर सुनिए, आई लव यू कहते हैं। जोरदार तालियां। मैंने गाना फिर चालू किया, ऐसे बकरी चराते ही तू आ गई, तेरे बकरी मेरे सब चने खा गई। इतने में सुनिए गौर से, मैथ का टीचर आ गया। अब मैथ का टीचर क्या पूछ रहा है गौर से सुनो, मजा आया। बोले दशमलव क्या है। मैंने कहा सर सुनिए, जो बिना रुके 10 बार लव कर ले वो दशमलव है। वो चला गया। मैंने गाना फिर चालू कर दिया, ऐसे बकरी चराते ही तू आ गई। मैथ का टीचर फिर आया, बोले क्यों रे एक्स की वैल्यू क्या होती है। मैंने कहा सर सुनिए, जो हमें छोड़कर चल जाती है उसकी हमारी नजरों में कोई वैल्यू नहीं होती। अगला सुनिए, मैं गाना फिर गाने लगा, ऐसे बकरी चराते ही तू आ गई। मैथ का टीचर फिर आ गया, बोले क्यों रे हराम खोर, 1000 किलो का इलेक्ट्रॉन होता है तो 3000 किलो का कितना होगा। मैंने कहा सर सुनिए, टन टन आता है। अगला मैं गाने गाने लगा, ऐसे बकरी चराते ही तू आ गई, तेरे नाने चने में। अरे 2 साल से कोरोना है, अब पढ़ाई कोई रोना धोना है, परीक्षा दे या ना दो पास तो यू ही होना है, अब तो मेरे हाथ में मोबाइल रे, अरे स्कूल नहीं जाना रे, क्योंकि जानू मेरी जाने मन प्यार तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो स्कूल के ये हालात हैं। अब इतने में गौर से सुनिए, साइंस का टीचर आ गया, विज्ञान का टीचर, बोले क्यों रे बच्चे का पैदा होना बायोलॉजी का टॉपिक है कि सोशियोलॉजी का टॉपिक है। मैं कंफ्यूज ना हो। मैंने कहा सर सुनिए, यदि बच्चे के हाथ पैर मुंह नाक कान यदि माता पिता से मिले तो वो बायोलॉजी का टॉपिक है, और यदि अड़ोस पड़ोस से मिले तो वो सोशियोलॉजी का टॉपिक है। सारे टीचर पक गए, सारे टीचर एक साथ आए, बोले तू अध्यापकों को समझता है क्या, समझता तू अध्यापक को जब से तेरे को सारे लोग समझा रहे हैं। मैंने कहा सर सुनिए, जो अध्ययन करा करा के पक जाए वो अध्यापक होता है। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट परफॉर्मर कना, एक मिनट का।
तू मेरी जान है और तेरी मेरी यादी के लिए पूरी दुनिया कुर्बान है। दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती तो वो नहीं, दोस्ती वो नहीं जो मुस्कान देती है, अरे सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा वाले चल रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। तुम
तुम क्या अपने आप को हम लोग का हालात नहीं समझता है? कितना नाता है चलिए मेरे पास इन पांचों का बेस्ट ऑफ द एंकर अवार्ड्स, बेस्ट ऑफ द एंकर द नेम इज पांचों अमृत आयु संस्कार स्नेहा एंड चीनी जोरदार तालियां। ये अवार्ड देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं नीतू मैम को। वो जोड़े से आए और जोड़े से आकर हमारे एंकरों को बेस्ट बेस्ट फाइव छह फोटो वाले भैया पूरी खोलाना चाहिए, क्लोजअप नहीं आना चाहिए। प्रियंका मसाय, प्रियंका नेक्स्ट बेस्ट अवार्ड गोज टू अमृत, अमृत जोरदार तालियां, बहुत मजा आ रहा है इनके बेस्ट। जोरदार तालियां आप लोगों की, जोरदार तालियां। चलिए नेक्स्ट हमारे संस्कार जी